योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार सभी को। पतंजलि योग सूत्र 8 और 9 की बात कर रहे थे समाधि पाद के बारे में। तो पिछले सूत्र में हमने देखा है कि वृत्तियाँ जो है 5 प्रकार के होते हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतेह। ठीक है, तो ये वहाँ पर हमने प्रमाण के बारे में बात किया था। प्रमाण 3 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो उसके बारे में हमने विस्तार में चर्चा की थी, तो अगर आपको जानना होगा तो आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर हम 2 तरह की वृत्तियों की बात करेंगे, विपर्यय और विकल्प। और फिर आने वाले वीडियो में हम निद्रा और स्मृति की बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द इन वृत्तियों के बारे में निपटा लूँ। तो चलिए हम सूत्र को देखते हैं। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। तो इसका जो है इसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया है, एक एक शब्द का। विपर्यय गलत तरीके से देखना, मिथ्या असत्य, यहां पर मिथ्या का मतलब असत्य ही है। ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञानम अज्ञान ही है। अतद्रूपम, जो जिस रूप में नहीं है, ठीक है, उसको अतद्रूप कहते हैं। प्रतिष्ठम प्रतिष्ठा, अनरियल कॉग्निशन इज नोइंग द अनरियल पोजेसिंग अ फॉर्म नॉट ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो इसका इसका फिर से यहाँ पर आएगा। अभी संस्कृत में इसकी व्याख्या देखते हैं व्यास जी की। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम। विपर्यय मतलब कल्पना, कल्पना को मतलब यहाँ पर ये डिफाइन कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत में बता रहा है। मिथ्या ज्ञानम, तो मिथ्या ज्ञान का मतलब जो असत्य ज्ञान है। अतद्रूप प्रतिष्ठितम, ठीक है, यहाँ पर विपर्यय मतलब कल्पना नहीं है, गलत तरीके से जानना। तो जो असत्य ज्ञान है वो अतद्रूप प्रतिष्ठितम, तो जो रूप जैसा नहीं है, जो रूप उसका नहीं है, उसके ऊपर आधारित करके जो ज्ञान होता है उसको विपर्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर अद्वैतियों का बहुत मशहूर या विख्यात दृष्टांत है, फेमस एग्जाम्पल है, रस्सी में सांप। तो जो सांप है, तो जो सांप दिख रहा है वो मिथ्या ज्ञान है, और वो सांप जो है वो अतद्रूप है, ठीक है, अतद्रूप में प्रतिष्ठित है। तो जो सांप का ज्ञान हो रहा है रस्सी में, उसको हम विपर्यय बोल रहे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर प्रश्न करते हैं, सकस्मात न प्रमाणम, तो ये प्रमाण क्यों नहीं है, ये विपर्यय ज्ञान जो है ये प्रमाण क्यों नहीं है। यतः प्रमाणेन बाध्यते, क्योंकि सही प्रमाण से इसका बाद होता है। बाद मतलब ये चला जाता है, इट गेट्स रेफ्यूटेड, इसको बाद कहते हैं, ठीक है।
तो जैसे अगर मुझे रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प के विपर्यय का बाद हो गया, रिफ्यूट हो गया, ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बताते हैं, भूतार्थ विषयात्म प्रमाणस्य। ठीक है, तो प्रमाण जो क्या है वो क्या करती है, जो वस्तु है उसको प्रमाण दिखाती है। प्रमाण का मतलब जिससे हमें किसी वस्तु का ज्ञान हो वो प्रमाण है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, अभी भी बताता हूँ, आँख से मुझे रूप का ज्ञान होता है, हाँ कान से मुझे शब्द का ज्ञान होता है वगैरह। ठीक है, तो अगर वहां पर शब्द नहीं है तो शब्द का ज्ञान मुझे कान से नहीं होगा। तो जो जो वस्तु वहां पर है, जो वस्तु है उसी का ज्ञान मुझे प्रमाण के द्वारा होगा, यहां पर कह रहे हैं। तत्र प्रमाणेन बाध्यम अप्रमाणस्य दृष्टम। तो प्रमाण से जो अप्रमाण वस्तु है, जैसे वहां रस्सी पर सांप, उसका बाध हो जाता है। तो यहां पर वो एक उदाहरण देते हैं, तत् यथा द्विचंद्र दर्शनम सद विषयेण विषयेण चंद्र दर्शनीय बाध्यता इति। तो मान लो कि कोई मतलब अभी उठा है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई कोई सो रहा है और रात में उठ गया, और रात में उठने पर उसने आसमान में देखा, तो उसको बहुत मतलब स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो जब वो धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तब उसको लगेगा कि आसमान में दो चांद है, आकाश में दो चंद्र है। लेकिन वास्तव में अगर वो अपनी आंखों को ठीक करेगा तो वो बोलेगा, नहीं, वहां पर एक चंद्र, वहां पर दो चंद्र नहीं है, वहां पर एक ही चंद्र है या एक ही चांद है। तो सही विषय के ज्ञान होने से जैसे गलत विषय का ज्ञान चला जाता है, वो तो जो दो चंद्र दिख रहे थे वो विपर्यय है, और एक चंद्र का दिखना वही प्रमाण ज्ञान है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ये व्यास भाष्य में आने वाले पतंजलि सूत्र को ये कोट कर रहे हैं। सेयं पंच पर्वा भवति अविद्या अविद्या अस्मिता रागा द्वेषा अभिनिवेशा क्लेशा इति। तो ये कह रहे हैं कि अविद्या, अविद्या का मतलब जो नेसाइंस, नेसाइंस का मतलब क्या है, नेसाइंस का मतलब हमें चीज का ज्ञान नहीं है, हमें किसी चीज का यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो किसी चीज का यथार्थ ज्ञान ना होना, इसमें जो है पांच स्टेजेस है कह के बोल रहे हैं, वो है अविद्या अस्मिता रागा द्वेषा अभिनिवेशा, इनको क्लेश बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आने वाले योग सूत्र को ही इन्होंने उल्लेख किया है, उन्होंने कोट किया है। ठीक है, तो जब ये योग सूत्र आएगा तब मैं इसके बारे में विवरण दूंगा। एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो। तो मतलब अपने ज्ञान, अपना ज्ञान जो है उस पे तम, उसके ऊपर एक डार्कनेस की तरह छा जाता है, मोहो। मोह का मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, या ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पर मैं ठीक से जान नहीं पा रहा हूं। महामोहस्तामिश्रो अंधतामिश्र इति एति एते चित्तमला प्रसंगेन अभिधास्यन्ते। तो महामोह मतलब पूरी तरह से मेरा मन जो है काम नहीं कर रहा है, स्तब्ध हो गया है, जैसे सुषुप्ति में। तामिश्रो अंधतामिश्र इति। तो तामिश्रो और अंधतामिश्र जो है ये दो तरह के नरक हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, ये दो तरह के नरकों को इन्होंने चित्त भूमिया बताई है। मतलब जो जब हमारा मन तमस में जा रहा है तो
उसकी भूमियों को बताने के लिए यहाँ पर तमस्र और अंध तमस्र को कंपेयर किया है। यहाँ पर चित्तमल प्रसंगेन अभिधास्यन्ते, तो चित्तमल, चित्तमल मतलब इम्प्योरिटी ऑफ द माइंड। तो मतलब क्या है, हमारे मन में दो तरह के चित्तमल होते हैं। यहाँ पर जो राजसिक चित्तमल और तामसिक चित्तमल। राजसिक चित्तमल मतलब हमारा मन जो है, हमारा मन बहुत विचलित होता है, मतलब एक रेस्ट नहीं रहता है। तो अगर वो एक एक्सट्रीम में चला जाए, वो रेस्ट में ना होना, तो तब हम पागल हो जाते हैं। और अगर दूसरी तरफ जब तमस जो है बहुत अधिक हो जाता है, तो क्या है कि हमारा जो है, हमारा ज्ञान जो है ठीक से काम नहीं करता है और हम बेवकूफ बन जाते हैं, मतलब हम कुछ भी ठीक से निर्णय नहीं कर पाते। तो ये रजस और तमस की वजह से हमारे मन में ऐसा हो रहा है, कह रहे हैं। तो एक तरह से देखेंगे तो ये जो हमारे पतंजलि जो है, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तो साइकोलॉजी को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम और एक सूत्र को देखते हैं। तो चलिए नौवा सूत्र, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। तो इसका इसका भी मैं विवरण दूंगा। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अनुवाद किया है। तो शब्द का मतलब शब्द, ज्ञान का मतलब ज्ञान, अनुपात का मतलब गिरना, वस्तु शून्य वस्तु की अनुपस्थिति, वस्तु वहां पर नहीं है इसलिए वस्तु शून्य। विकल्प कल्पना करना, कल्पना करना मतलब इमेजिनेशन। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये सही ट्रांसलेशन नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यह है कि इमेजिनेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, स न प्रमाण उपरोही न विपर्यय उपरोही, ठीक है। तो ये प्रमाण के ऊपर आधारित नहीं है, ये विपर्यय के ऊपर आधारित नहीं है। तो मतलब क्या है कि प्रमाण जो है, जो जैसा यथार्थ ज्ञान है उसको प्रमाण बोल रहे हैं, और विपर्यय जैसे रस्सी में सांप, तो वास्तव में वहां पर रस्सी नहीं है। तो रस्सी में सांप दिखना ये पतंजलि के अनुसार इमेजिनेशन नहीं है, इसको विपर्यय बोल रहे हैं, और हमें सिर्फ रस्सी दिखना ये प्रमाण है, ठीक है। तो ये रस्सी में सांप दिखना इमेजिनेशन नहीं है, ये विपर्यय है, और प्रमाण जो है वो सही तरीके से मुझे रस्सी दिख। तो इसको उसको इसका और विवरण देते हैं। वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। तो वहां पर जो है वस्तु वस्तु नहीं है, लेकिन केवल शब्द से काम चला रहे हैं, इसको जो है इसको विकल्प कहते हैं। तो इसके उदाहरण दिए हैं इन्होंने, तद्यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपमिति। तो यहां पर आपको जानना है कि पुरुष का मतलब क्या है। मैंने बार बार बोला है पुरुष का मतलब साक्षी ज्ञान, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया है, साक्षी ज्ञान का स्वरूप ही स्वरूप चैतन्य है, ठीक है, कहा गया है। तो ये बोल रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं, क्यों, यदा चितिरेव पुरुषस तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते। तो अगर जो है जो चैतन्य ही पुरुष है, तो अगर चैतन्य ही वहां पर पुरुष है, तो इसके द्वारा तुम किसको पॉइंट आउट कर रहे हो, चैतन्य ही पुरुष है, पुरुष पुरुष का स्वरूप चैतन्य है, इसमें क्या मतलब है, कह के यहाँ पर पूछ रहे हैं। जैसे मैं सिंपल सी बात बताता हूं, मैं बोलता हूं कि अग्नि की ज्वाला है,
ठीक है, अग्नि की ज्वाला है, लेकिन वहां पर जो है अग्नि को जो है वो ज्वाला को पॉइंट कर रही है, ज्वाला जो है वो अग्नि को पॉइंट कर रहा है, मतलब ही नहीं है, कोई किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, अग्नि ही ज्वाला है। तो अग्नि की ज्वाला का क्या अर्थ है यहां पर? कोई अर्थ नहीं है। तो मतलब वहां पर शब्द है लेकिन वस्तु शून्य है। हाँ, कोई असली वस्तु पर पॉइंट नहीं कर रहा है, अग्नि की ज्वाला, कोई मतलब नहीं है उसका, अग्नि ही ज्वाला है। तो अग्नि की ज्वाला का मतलब क्या है फिर? इसके ऊपर मैं और थोड़ा विवरण दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भवति च व्यपदेशे वृत्ति ही, तो अगर कि कोई कोई वृत्ति जो है, कोई थॉट जो है किसी को पॉइंट आउट कर रही है, उसको व्यपदेश कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, यथा चैत्रस्य गौरिति। तो अगर चैत्र नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी गाय है, तो ये गाय किसकी है? ये चैत्र का है, इसको व्यपदेश कहते हैं, इसको पॉइंटिंग कहते हैं। हाँ, तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो निष्क्रिय पुरुषः तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थितः इति यनिवृत्तौ धात्यर्थ मात्र गम्यते। तो जैसे यहां पर क्या है, निष्क्रिय पुरुषः कह के बोल रहा है। पुरुष का मतलब साक्षी ज्ञान है, निष्क्रिय साक्षी ज्ञान, निष्क्रियता ही साक्षी ज्ञान है। तो वहां पर निष्क्रिय साक्षी ज्ञान क्या का क्या मतलब है? तिष्ठति बाण, तिष्ठति बाण का मतलब जो बाण का मतलब जो क्या है यार, तीर। तो तीर जो है तीर को चलाता है, तीर तो चलता है, तो मतलब ना चलने वाला तीर का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। स्थास्यति स्थितः, तो जो ऑलरेडी स्थित है वो स्थित हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। इति यति निवृत्तो धात्वर्थ मात्र गम्यते, तो धातु के अर्थ को ही ये बताता है, लेकिन वहां पर वास्तव में कोई वस्तु नहीं। तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष है इति, तो पुरुष का धर्म जो है वो अनुपत्ति अनुपत्ति धर्म है, मतलब पुरुष में कोई उत्पत्ति नहीं होती है, मतलब उसमें कोई ये नहीं होता है, उससे कुछ आता नहीं है कह के। उत्पत्ति धर्मास धर्मस्य अभाव मात्रम अवगम्यते न पुरुषान्वयी। तो वहां पर उत्पत्ति धर्म का जो है वो अभाव अभाव बोलता है, लेकिन पुरुष के बारे में कुछ नहीं बताता है। तस्मात् विकल्पितः स धर्मस्तेन चास्ति व्यवहारः इति। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन मैं सिंपल चीज में बताता हूं। विकल्प का मतलब वो शब्द है, एक शब्द है लेकिन शब्द के करस्पॉन्डिंग कोई वस्तु नहीं है, वो विकल्प है। जैसे मैं सिंपल सा बताता हूं, उड़ता हुआ सुअर। हाँ, पंखों के साथ उड़ता हुआ सुअर, तो पंखों के साथ उड़ता हुआ सुअर के इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने एक शब्द लिया है, तो उस शब्द के करस्पॉन्डिंग कोई वस्तु नहीं है। तो जो शब्द मैंने दिया है उड़ता हुआ सुअर जो है वो एक विकल्प है, ठीक है। तो यही है, तो हम और दो वृत्तियों के बारे में जानेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इन वृत्तियों के बारे में मैं पूरा का पूरा खत्म कर दूं। तो ये था पतंजलि योग सूत्र। फिर से हम और एक सूत्र से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।